लिए बहुत अहम है। 2019 के बाद एक लंबे समय तक पंचायतों तक में बीजेपी की सरकार रहेगी, मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ। विचारधारा से बने निकले, इनसे अलग हुए दलों ने जब तक देश पर शासन किया, देश की राजनीति को, देश के लोकतंत्र को तीन चीजों ने नासूर की तरह इसका खून चूसने का काम किया, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण। परिवारवाद के कारण लोकतंत्र का मूल पर घाव हुआ, लोकतंत्र को निर्बल करने का काम परिवारवाद ने करा। जिनके अंदर पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं, क्षमता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कुछ 25-30 परिवारों ने पूरे देश पर शासन करने का काम किया। जातिवाद के कारण विकास रुका, विकास थमा, विकास सीमित हुआ। जो सत्ता पे आया उसने अपनी जाति का विकास करने का प्रयास किया, समग्रता से सबके साथ, सबका विकास के सूत्र के साथ विकास नहीं पहुंचा। और तुष्टिकरण के कारण भी विकास भी रुका और समाज में एक जबरदस्त कुंठा का निर्माण हुआ। ये तीनों नासूर भारतीय राजनीति में कांग्रेस का योगदान है और ये तीनों नासूर कांग्रेस के निकले हुए सभी दलों के अंदर भी पहुंचे, ज्यादातर दल इसी दिशा में चले।